आज विंटर का वेजिटेबल्स के साथ एक करी बनाती हूँ जो रोटी परोठा चावल के साथ बहुत ही टेस्टी लगते हैं। वेलकम टू माय चैनल फन विद कुकिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। रेसिपी पसंद आएगी तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अंडा और आलू को मैंने बॉईल कर लिया, आलू का छिलका भी उतार के रखी हूँ। कुछ फूलगोभी का टुकड़ा लिया, छोटे छोटे टुकड़े में काट लिया। सिम फली लिया और प्याज कली है, ये हरी प्याज नहीं है, जो ऑनियन स्टिक होती है वो ऑनियन स्टिक का कुछ पार्ट लिया मैं। और यहाँ प्याज लहसुन अदरक टमाटर और हरी मिर्च का पेस्ट है। अंडा के ऊपर कुछ काट मार्क लगा देती हूँ जिससे इसके अंदर मसाला अच्छी तरह से जा पाएगा। कढ़ाई में मैं 2 चम्मच तेल डाल दिया, तेल को गर्म होने देती हूँ। तेल गर्म हो गया है, अंडा और आलू को पहले फ्राई कर लेती हूँ। अंडा मेरा फ्राई हो गया है, इसे निकाल लेती हूँ। आलू भी फ्राई हो गया, इसे भी निकाल लेती हूँ। अब इसी तेल में फूलगोभी को डाल देती हूँ और फूलगोभी को भी बिल्कुल ही ब्राउन करके फ्राई कर लेती हूँ। फूलगोभी भी मेरा बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो गया है, इसे भी अंडा और आलू के साथ निकाल लेती हूँ। अब सिम फली को डाल देती हूँ। सिम फली भी फ्राई हो गया है, इसे भी निकाल लेती हूँ। अब इसी तेल में 1 चम्मच जीरा डाल दिया और प्याज लहसुन अदरक टमाटर और हरी मिर्च का जो पेस्ट बना के रखी थी उसे डाल दिया। हल्दी पाउडर, सब्जी मसाला पाउडर, धनिया पत्ता, मसाला को अच्छी तरह से फ्राई कर लेती हूँ। मसाला मेरा अच्छी तरह से फ्राई हो गया है। अब प्याज कली को डाल देती हूँ और जितना सब्जी था फ्राई करके रखी थी इनको भी डाल दिया। बॉईल किया हुआ थोड़ा सा मटर डाल देती हूँ, स्वाद अनुसार नमक। मसाला को मिक्स कर लेती हूँ सब्जी के साथ, थोड़ा सा पानी डालती हूँ और मसाला को सब्जी के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। अब ग्रेवी के लिए 1 कप के आसपास पानी डाल दिया। ज़्यादा पतला ग्रेवी अच्छा नहीं लगता, पर आपके ऊपर डिपेंड करते हैं, आप पतला या थिक ग्रेवी रख सकते हो। कवर कर देती हूँ और एक उबाल आने देती हूँ। एक बार लीड खोल के चेक कर लेती हूँ, सब्जी में उबाल आ गया है। सारे सब्जी अलग अलग से मैंने फ्राई किया था, आलू ऑलरेडी बॉयल्ड था तो ज़्यादा देर नहीं लगता इसको बनने में। गरम मसाला पाउडर डाल देती हूँ, मिक्स कर लेती हूँ। बस ये हो गया है, गैस बंद करके थोड़ी देर के लिए इसे स्टैंडिंग टाइम देती हूँ। विंटर वेजिटेबल्स के साथ अंडा करी मेरा बन के तैयार है, बहुत ही टेस्टी होती है। आप अगर नॉनवेज खाते हो तो एक दिन ट्राई जरूर करना। और रेसिपी अगर पसंद आएगी तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फ्रेंड मेरे वीडियो देखने के लिए, आगे भी बने रहिए। होममेड सिंपल रेसिपी मैं अपलोड करती हूँ, पसंद आई तो अपना फ्रेंड सर्कल में भी शेयर जरूर कीजिएगा। आज यहाँ तक ही, मिलते हैं कोई और एक रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय, हैव ए गुड डे।